हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। तो आज अपना टेस्ट रहने वाला है लाइव साइंस मैगजीन 4, ठीक है। वर्गीकरण का पार्ट 3 इसमें देखेंगे अपन। इसके बाद जो मैथ का अपन रख सकते हैं, जैसे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आज जल्दी स्टार्ट हो गया है, 9 बजे वाला आज नहीं होगा, वो आजमान जल्दी हो रहा है, ठीक है। जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टेस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है वर्गीकरण का 3। इसके बाद वर्गीकरण अपना कंप्लीट हो गया, लगभग 2 इससे पहले हो चुके हैं, वो आपको पता ही होगा। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं आज के अपने टेस्ट की, ठीक है। मैथ का भी होगा अभी आपका, मैं जैसे आपको जानकारी दे दूँगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, नोटिफिकेशन नहीं गया शायद, इसलिए पता नहीं चल रहा आप लोगों को। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, उसके बाद अपना टेस्ट आज का स्टार्ट होगा, साइंस का ही रहने वाला है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। वर्गीकरण का पार्ट 3 रहेगा, 2 इससे पहले हो चुके हैं। गुड इवनिंग भाई सितेश, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, नोटिफिकेशन नहीं गया इस कारण से ज़्यादातर लोग अभी नहीं जुड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग जुड़ेंगे जैसे अपन शुरुआत कर देंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें। आज अपना साइंस का रहेगा, ठीक है, 9 बजे। इसके बाद एक और टेस्ट रहेगा फिर 9:30 के बाद, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूंगा कम्युनिटी टैब में। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, और अन अकेडमी पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी है अन अकेडमी की, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी पर राहुल सोलंकी सर्च कर सकते हैं, लिंक दिए प्रोफाइल की, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, आज नोटिफिकेशन नहीं गया मुझे लग रहा है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जिससे सबको पता चल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं गया तो किसी को पता नहीं चलेगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा YouTube पे कि नोटिफिकेशन ना जाए, उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं अपन से। चलिए शुरुआत कर देते हैं, कुछ लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए बताइए 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। 8 बजे वाला था, थोड़ा सा लेट हो गया है यहाँ, कल से अपन जो है प्रॉपर टाइमिंग रखेंगे इसकी। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया आपको बताना है, विटेकर, कैरोलस, लीनियस, अरस्तु या जॉनरी, किसने दिया था 5 जगत वर्गीकरण, जो क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अभी। वर्गीकरण की इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सभी को हेलो भाई। इसके बाद अपन एक और रखेंगे मैथ का, जैसा मैं आपको जानकारी दे दूँगा, कम्युनिटी में आप चेक कर लेना, मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि क्या रहेगा इसके बाद। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, यहाँ पर आंसर आ रहा है। लोको पायलट का रिजल्ट कब तक आएगा भाई, आ सकता है जल्दी रहेगा रिजल्ट। चलिए इसका आंसर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटेकर, ठीक है। विटेकर ने 1969 में दिया था 5 जगत वर्गीकरण, और कौन कौन से जगत के वर्गीकरण दिया था, मतलब किस किस में बांटा था उन्होंने। पहला जगत का वर्गीकरण दिया था उनका मोनेरा, 5 जगत में जो है रखा था, 5 किंगडम में अपन कह सकते हैं। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, और तीसरा अपना पादप, यानी कि उसमें पौधे आ जाते सभी, कवक और जंतु, 5 जगत में रखा था उन्होंने, 5 में बांटा था सभी को, ठीक है। किसने, विटेकर ने। इसी तरह अपन बात करें वर्गीकरण के, फादर ऑफ वर्गीकरण कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो है अरस्तु। इसके बाद अपन कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, तो उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, यानी कि सभी जीव जंतुओं के 2 नाम दिए थे, एक वैज्ञानिक नाम उन्होंने दिया था, किसने, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, उसमें सभी जंतुओं एवं वनस्पतियों को 2 भागों में 2 नाम पद्धति दे दी थी, यानी 2 नामों में बांट दिया था, एक साइंटिफिक नाम, एक जनरली नाम, जो अपन लोग जानते हैं। चलिए, और जॉनरी ने दी थी जाति शब्द की जो है परिभाषा दी थी जॉनरी ने, उन्होंने बताया था जाति शब्द उन्होंने अलग से दिया था, स्पीसीज, ठीक है। जॉनरी ने किया था जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्गीकरण में। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना क्या, ए विटेकर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है। चलिए भाई बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर, स्तनपाई जो विलुप्त हो गए, अंडे देने वाले स्तनपाई मतलब स्तनधारी, ठीक है, मांसाहारी, आर्थ्रोपोडा या सरीसृप जो विलुप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। हेलो भाई सभी को नमस्ते, चलिए इसका आंसर बताइए। लकी राठौड़, SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी उसमें भी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकरण के क्या पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, अमित क्या पूछ रहे हो भाई, चलिए जल्दी से बताइए। आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी कहलाते हैं कैरोलस लीनियस,
इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, दो टेस्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से। डी इसका आंसर जितने भी लोगों का बिल्कुल सही होगा, सरीसृप यानी रेंगने वाले जीवों की, जो अब उसमें रखा गया था फाइलम में, किसमें रखा गया था, इनको रेंगने वाले जीवों में जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप आते हैं उसमें, ठीक है, सांप, छिपकली, ये सब क्या है, सरीसृप हैं, ठीक है, रेप्टाइल बोलते हैं इनको, तो उसमें भी आते थे डायनासोर जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा है, चलिए इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड आपके सामने है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। रक्त में प्रतिस्पंदक स्कंदक पदार्थ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, ये शायद कौन सी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुका है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट हो ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, माफ कीजिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको देना है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में 2011 में, बताइए इसका आंसर। चलिए नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, थ्री का ए नहीं होगा भाई, फाइब्रोनोजन नहीं होगा इसका आंसर, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फाइब्रोनोजन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलिए ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, हेपेरिन, बिल्कुल सही हो जाएगा, हेपेरिन जो है रक्त को जमने नहीं देता, शरीर के अंदर क्या रहता है ऐसा पदार्थ जो जमने नहीं देता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो हेपेरिन होता है, ठीक है, क्या होता है, हेपेरिन जो जमने देता है उसे प्रतिस्कंदक भी कहा जाता है, दूसरी भाषा में कहें तो अपन हेपेरिन होता है जो यकृत से निकलता है, ये भी पूछा जाता है कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, निम्न में से, सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, आप ठीक है सब, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, ठीक है, हाइला, हेलियोटिस, हाइड्रा या खरगोश, चलिए इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आपको देना है जल्दी से, कौन सा ऐसा जो है जीव है जिसका संबंध जो है मोलस्का से है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं मोलस्का, क्या होते हैं अन्य जो सभी जीव, हाइड्रा वगैरह किसमें आती हैं, अपन पढ़ चुके हैं, तो आपको आंसर इसका पता होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, फोर्थ का आंसर अभी नहीं आया, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी आपके सामने है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, ठीक है, क्वेश्चन ये है जिसका आंसर आपको देना, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर आंसर आने लगा है, चलिए बी जितने भी लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी हेलियोटिस, क्योंकि किस में आता है मोलस्का में, और मोलस्का में इसके अलावा क्या आता है, मोलस्का जितने भी जीव आते हैं मोलस्का के अंदर का सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो सॉफ्ट होती है, इस वजह से उनकी शरीर के चारों ओर CaCO3, ठीक है, CaCO3 का कवच चढ़ा रहता है, ठीक है, किसका, CaCO3, जैसे कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं अपन, किसके ऊपर, मोलस्का जितने भी जीव होते हैं उनके ऊपर ये चढ़ा रहता है, उसमें क्या आते हैं घोंगे जिसे स्नेल बोलते हैं, सीपियाँ उसी में आती हैं, ऑक्टोपस उसी में आते हैं, किसमें, मोलस्का में, ये अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, हेलियोटिस। हाइड्रा की अपन बात करें तो किसमें आता है, सीलेंटेट्रा में आता है, ठीक है, इसे अमरत्व का गुण प्राप्त है, यानी कि इसको अपन ऐसे, इस तरह का हाइड्रा होता है तो इसको अगर अपन काटेंगे तो दूसरा हाइड्रा बन जाएगा, उसको काटेंगे तीसरा बन जाएगा, मतलब ये मरता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, अब मेमथ पूर्वज हैं, यानी किसके पूर्वज हैं मेमथ, कुत्ते के, घोड़े के, ऊँट के या हाथी के, ये भी एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तो आ सकता है आने वाले एग्जाम में, इसका आंसर आपको देना है सभी को, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है, मेमत पूर्वज हैं, किसके पूर्वज हैं मेमत, कुत्ते, घोड़े, ऊँट या हाथी के, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर अभी तक नहीं आया, सर नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज, चलिए फाइव का आंसर दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा फाइव का आंसर, मेमत किसके जो है पूर्वज हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर दीजिए जल्दी से, यहाँ पर आने लगा है कुछ लोगों का, ठीक है, तो मेमथ इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, ठीक है, सी इसका आंसर नहीं होगा, डी, हाथी के जो है पूर्वज कहलाते हैं मेमथ, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, फिरोमोन सामान्यतः उत्पन्न
किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। फेरोमोन जो स्राव होता है वो कौन छोड़ता है, ऐसा भी अब क्वेश्चन आ चुका है, अपन पहले भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर आप सभी को देना है। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, यानी किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है सामान्यतः, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको जो है देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए जल्दी से, 5 तक आपके हो चुके हैं, 6 का आंसर आपको देना है जल्दी से। फेरोमोन जो है सामान्यतः किसके द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, चलिए इसका आंसर आपको देना है। फेरोमोन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, किस कौन उत्पन्न करता है ये, 6 का आंसर अभी तक नहीं आया है, 6 का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए 6 का आंसर डी आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, फेरोमोन स्राव जो कि कीटों द्वारा छोड़ा जाता है, या इसके साथ अपन बात कर रहे हैं चींटी और कीटों का जो कतार में चलते हैं वो, ठीक है, उन चींटियों की आँख नहीं होती, उसके बाद भी वो कतार में किस कारण चल पाती हैं, फेरोमोन स्राव द्वारा वो छोड़ते जाते हैं, उसके द्वारा ही जो ये कतार में चल पाते हैं। ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को आंसर पता होना चाहिए, किसके द्वारा, कीटों द्वारा, इंसेक्ट वर्ग के जो कीट होते हैं उनके द्वारा, स्पेशल अपन बात करें चींटी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके सामने है, 7 नंबर का आंसर आपको देना है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, यह बताना है आपको, स्टोन फिश, वेल, शार्क, मार्लिन या हिल्सा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या हुआ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है अभी, क्या होगा इसका आंसर, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। चलिए आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, इंडिया लार्जेस्ट फिश कौन सी है, 7 का आंसर दीजिए। नेटवर्क का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लेट आपके जो है काफ़ी देर बाद आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, चैट जो है काफ़ी देर बाद दिख रही है यहाँ पे। चलिए 7 का आंसर बी आ रहा है यहाँ पर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भेल शार्क, ठीक है, भारत की यहाँ पर बात की जा रही है भेल शार्क, कई लोग ये समझ रहे हैं भेल, ब्लू भेल यानी कि नीली भेल समझ रहे हैं, वो स्तनधारी होता है, ठीक है, इनके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले भी, कौन होता है वो नीली भेल, वो होगी क्या स्तनधारी, वो मछली नहीं है, यहाँ पर भेल शार्क इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्न में से कौन अंडे देता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए जल्दी से, कौन ऐसा है जो अंडे देता है, एकिडना, कंगारू, सेही या भेल, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, अंडे कौन देता है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है, आज अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, क्या होते हैं ये, कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है, चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको देना है जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अभी तक नहीं आया, चलिए यहाँ पर आ गया है काफ़ी सारे लोगों का आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकेडना, जिसको चीटी खोर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चीटी खोर भी बोला जाता है, एकेडना या चीटी खोर। इसके साथ अपन बात करें डकविल्ड प्लेटिपस, एक और आता है इसी वर्ग में, प्रोटोथीरिया वर्ग में आते हैं, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं ये, अपन बात करें तो एकेडना प्लेटिपस ये दो पूछे जाते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं, तो आपको याद रखना है एकेडना और प्लेटिपस। कंगारू की अपन बात करें तो अविकसित बच्चा जन्म देता है, ये भी स्तनधारी है, क्लियर, और भेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, संसार का सबसे बड़ा जीव भी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए यहाँ पर आपके सामने है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है, केकड़ा, डॉगफिश, गैम्बूसिया या घोंगा। चलिए अजय हिंदी व्याकरण के बारे में पूछ रहे हैं, चलिए जल्दी देखते हैं अपन उनकी भी कर लेंगे, पहले अपना साइंस हो जाए एक बार, ठीक है, पहले साइंस पर फोकस है, साइंस खत्म करना है अपन को पहले उस, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससी में भी पूछे जाएंगे। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर देना है आपको इसका। 9 का आंसर यहाँ पर आ रहा है ज़्यादातर लोगों का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है, क्या खाती है, मच्छरों के लार्वा खाती है, जैसे ही पानी में तालाब और कुओं में जो मच्छर लार्वा छोड़ते हैं अपना, जिनसे जो है नए मच्छर मच्छर विकसित होते हैं, तो उनके लार्वा को ये खा जाती है, तो मच्छरों पर जो नियंत्रण होता है किसको, गैम्बूसिया को, क्लियर। चलिए घोंगे की अपन बात कर रहे हैं, तो घोंगा कौन से वर्ग में आता है, मोलस्का में आता है घोंगा, डॉगफिश एक मछली है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, 2009 के एग्जाम पूछा गया है, कौन सा एक कपी नहीं है, ये आपको बताना है। किंग कोंग भी एक कपी होता है, ठीक है, जो कि फिल्म बनी है उनके ऊपर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह के जो कपी होते हैं, कौन सा एक कपी नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। निम्न में से गिब्बन, गोरेला, लंगूर या ओरंग उटैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आपको देना है।
निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिब्बन, गिबन या गोरिल्ला, लंगूर या ओरेंग ओटेन। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, इसका आंसर नहीं होगा भाई, इसका आंसर बी नहीं होगा। चलिए जल्दी से बताइए आंसर इसका हो जाएगा अपना क्या? सी। ठीक है सी, जितने भी लोगों ने दिया लंगूर बिल्कुल सही हो जाएगा, लंगूर एक कपी नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें गिबन, गोरिला, ओरंग ओरंग उटन, ये सब क्या है? कपी हैं। कपी कुछ इस तरह के दिखते हैं, इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं कपी। ठीक है तो कपी क्या है? लंगूर एक कपी नहीं है। क्लियर, इसका आंसर सी हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? यानी दांतों का जो है कौन सा भाग होता है, वो जो हाथी के इस तरह के आपको दांत दिख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा वाला जो दांत होता है वो बदल जाता है, उसमें कौन सा दांत होता है वो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर लोग गलत कर जाते हैं। दांतों के जितने भी नाम है आपको जो है इंग्लिश में याद होने चाहिए, क्योंकि हिंदी में इस तरह के नाम होते हैं ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होते और जो है गड़बड़ हो जाती है, कौन सा है ये कौन सा नहीं है। यहीं अपन बात करें रदनक क्या होता है, इसको कैनन बोलते हैं तो आसानी से याद हो जाता है, रदनक अपन को समझ में नहीं आता। ठीक है चलिए, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, ये क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है आपके सामने, रदनक, अग्रज, वर्णक, दूसरा कृंतक या चवर्णक। चवर्णक यानी कि मोलर, जिसको दाढ़ भी बोलते हैं अपन। चलिए इसका आंसर आपको देना है जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? 11 का आंसर यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों का डी, इसका आंसर नहीं होगा भाई, चवर्णक इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दो तरह की जो है दाढ़ होती है जिनको चवर्णक कहा जाता है, एक होता है अग्र चवर्णक, एक होता है चवर्णक ओनली। चलिए इसका आंसर यहाँ पर किसी का जो है सही नहीं आया, एक दीपांधु आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दूसरा कृंतक, ठीक है से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरा कृंतक जो वो दांत होता है हाथी का जो बड़े दांतों के रूप में बदल जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है क्या आंसर हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला कंगारू स्तनधारी के किस उपवर्ग में आता है? ठीक है यहाँ पर आत हो गया, आता है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है अभी। अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला कंगारू स्तनधारी के किस उपवर्ग में आता है, ये पूछा जा रहा है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया या इनमें से कोई नहीं, इनके बारे में अपन अभी बात कर लेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या होता है ये प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया, इसके बारे में बात कर लेंगे अभी। स्तनधारी के ये उपवर्ग हैं, यानी स्तनधारी के अंदर भी तीन वर्ग होते हैं, उनमें अलग अलग आते हैं, प्रोटोथीरिया में अलग आते हैं, मेटाथीरिया में अलग, यूथीरिया में अलग, यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है। आरपीएफ का डेली चलता है भाई, 9 PM चलता है, आज नहीं हुआ, आज जल्दी हो गया है। ठीक है अभी मैथ का भी हो सकता है, मैं कम्युनिटी में आपको जानकारी दे दूंगा, तो सभी लोग जो है थोड़ा सा वेट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा अपना मेटाथीरिया। मेटाथीरिया वर्ग में आता है कंगारू जो कि अविकसित बच्चों को जन्म देता है। मार्सोपिया नामक एक थैली होती है इसकी, जो आपने देखी होगी कंगारू की, जिसमें बच्चा जो है बाहर की तरफ झांकता रहता है, ये आपने देखी होगी डिस्कवरी पे भी दिखाते रहते हैं ज़्यादातर, तो वो होती है मार्सोपिया थैली, जिसमें जो बच्चे का पूर्ण विकास होता है अविकसित बच्चों को जन्म देता है। ये स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में तीन उपवर्ग होते हैं, तीन कैटेगरी होती है स्तनधारी मेमल्स में, कौन सी होती है? एक तो प्रोटोथीरिया जिसकी अपन बात कर चुके हैं, इसमें अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, वहीं बात करें मेटाथीरिया उसमें कौन आता है? उसमें आता है कंगारू और आल्पस, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें यूथीरिया, यूथीरिया में सभी जो आपके आसपास जितने भी जीव जंतु दिखते हैं अपन को वो होते हैं यूथीरिया, मनुष्य भी यूथीरिया में आता है। ठीक है मनुष्य, हाथी, कुत्ता, जो भी जानवर आपको दिखते हैं ये सब यूथीरिया में आते हैं, ये जो है विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, गर्भाशय द्वारा इनका जन्म होता है। मेटाथीरिया में जो अविकसित बच्चों को जन्म दिया जाता है, और प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ये तीनों जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इलेक्ट्रिक रे कही जाने वाली मछली कौन सी है? चलिए इसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है अभी, ये आपको पिक्चर में दिख रही है इलेक्ट्रिक रे होती है इस तरह की, कौन सी जो है मछली होती है उसे इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है, यानी बिजली करंट देने वाली मछली। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से दीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, कौन सी होती है इलेक्ट्रिक रे? पिसीज वर्ग में जो भी आती हैं वो वास्तविक मछली होती हैं, पिसीज यानी मत्स्य, उस वर्ग में जितनी भी मछलियाँ आती हैं वो वास्तविक होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, इलेक्ट्रिक रे कही जाने वाली कौन सी मछली है, ये आपको आंसर देना है। टोरपीडो, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ज़्यादातर लोगों का आया है। टोरपीडो एक मछली होती है जिसे जो क्या करंट देती है, ठीक है उस तरह की आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये होती है इलेक्ट्रिक रे। ठीक है इसे इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है,
इसी तरह अपन बात करें फ्लैंग फिश क्या है, ये वास्तविक मछली जो मत्स्य वर्ग में आती है, हाइड्रो फिश कोई मछली नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक सांप है जो समुद्र में पाया जाता है, सबसे विषैला है दुनिया में, जो वर्ल्ड की अपन बात करें पूरी पृथ्वी पर सबसे जहरीला कोई अगर जीव जंतु है तो वो हाइड्रो फिश है, जो कि एक सांप है, ठीक है। स्नेक है, गैम्बुसी है, वो मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है, अभी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है, कोमोडो ड्रैगन, हेलोडर्मा, ड्रैको, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर देना है। 14 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से, यहाँ पर बात की जा रही है छिपकली की, विश्व की सबसे जहरीली पूछी जा रही है, एकमात्र जहरीली छिपकली है, उसके बारे में बात करिए। पिक में आप देख सकते हैं, ये है उसकी रियल पिक्चर, ठीक है, इस तरह की वो दिखती है जो जहरीली छिपकली, इसका आंसर दीजिए। इसके बारे में के बारे अपन बात करेंगे, इसके बाद ऑप्शन के बारे में बात कर लेंगे। चलिए 14 का आंसर सी नहीं होगा, ज़्यादातर लोग सी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा अपना बी, हेलोड्रमा, ठीक है। हेलोड्रमा एक जहरीली छिपकली है जो आपको पिक में दिख रही है, इस तरह की जो दिखाई देती है, हेलोड्रमा जो जहरीली छिपकली होती है। इसी के साथ अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन विश्व की सबसे बड़ी छिपकली है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कौन सी है, तो वो है कोमोडो ड्रैगन। इसी के साथ अपन बात करें उड़ने वाली छिपकली, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उड़ने वाली छिपकली कौन सी है, तो वो है ड्रैको। तीनों यहाँ पर छिपकली हैं, तीनों के बारे में एक बार और बताता हूँ, कोमोडो ड्रैगन विश्व की सबसे बड़ी है, और हेलोड्रमा एकमात्र जहरी छिपकली है, जहरीली, ठीक है, यानी विषैली कह सकते हैं अपन, ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 15 ही क्वेश्चन रखे हैं आज के। स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल भी कहा जाता है, अफ्रीकन हाथी, जिराफ, एशियाई शेर, चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। 15 का आंसर अभी तक नहीं आया, यहाँ पर जल्दी से आंसर देना है आपको, क्या होगा सबसे, इसका आंसर ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए, भेल इसका आंसर नहीं होगा भाई, भेल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, स्थल पर, ठीक है, स्थल पर पानी में पाए जाने वाले की नहीं पूछा जा रहा है, विश्व के सब कहाँ पाए जाने वाले ये नहीं पूछा जा रहा, स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीकन हाथी जो सबसे बड़ा है स्थल पर पाया जाने वाला। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे बड़ा जीव कौन सा है पृथ्वी पर पाया जाने वाला, तो इसका आंसर हो जाता क्या, नीली बेल यानी कि ब्लू बेल, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है स्थल पर पाया जाने वाला, तो वो हो जाएगा अफ्रीकन हाथी, और लंबा सबसे लंबा जानवर पूछा जाए तो वो होगा अपना जिराफ। एशियाई शेर की अपन बात करें तो कहाँ पाया जाता है, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, कहाँ पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। सबसे लंबे जानवर की अपन बात करें तो वो है जिराफ, और स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कहें अपन जानवर कह सकते हैं अफ्रीकन हाथी है, और पूरे पृथ्वी की अपन बात करें उस पर पाए जाने वाला अपन बात करेंगे तो नीली भेल यानी कि ब्लू भेल जो कि एक स्तनधारी है, चारों यहाँ पर स्तनधारी हैं, क्लियर है। चलिए आज का टेस्ट अपना ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 15 ही क्वेश्चन थे, अभी इसके बाद एक और रख लेंगे, आज 9 PM वाला तो नहीं होगा, ठीक है, 9 PM वाला नहीं होगा साइंस का, जो मैंने अभी 8 बजे से स्टार्ट कर दिया था, 8-10 के करीब, क्लियर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाएं, स्टडी परवास कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, क्लियर, ठीक है। 9 PM वाला आज अपना टेस्ट नहीं होगा, जो डेली चलता था वो आज जल्दी हो गया है, 9:30 के बाद जो है 9:30 के बाद आपका मैथ का हो सकता है, जैसे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, 9:30 के बाद मैथ का परसेंटेज का टॉपिक अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर अपन ने लास्ट छोड़ा था, क्लियर। 15 ही क्वेश्चन थे, आप बता सकते हो कितने आपके जो है करेक्ट हुए, 15 ही क्वेश्चन थे आज के, तो आप बता सकते हो कितने आपके जो है करेक्ट हुए हैं 15 में से, ठीक है। तो आज का अपना कंप्लीट हो चुका है टेस्ट, अभी देखेंगे अपन 9:30 के बाद एक टेस्ट और हो सकता है आपका, लाइव मैथ की लाइव क्लास हो सकती है 9:30 के बाद, क्लियर। कम्युनिटी टैब में आपको जानकारी दे दूंगा, तो आप देख रहना, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, बेल आइकन पर प्रेस कर लोगे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं अगले टेस्ट में।